सर, आज की गेम प्ले की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं एशिया के लीडर बोर्ड की। सो यहाँ पे बेसिकली देखो, नंबर वन हैकर है ना स्क्वाड का, ये बंदा बैन हो गया लेकिन अभी भी नंबर वन पे ही बैठा है। और मतलब क्या ही बोले, इनको अभी हटाया नहीं जा रहा। चल ये बंदा तो अभी बैन हुआ है, लेकिन ये जो वाला बंदा है ना, ये बंदा कल बैन हुआ था। और इसकी केडी देखोगे ना आप लोग, 34 की केडी है, तो इसने सोचो कितने मतलब गदर तरीके से बंदे पेले होंगे। एंड स्क्वाड में तो चलो लीडर बोर्ड में एक दो बंदे बैन भी है, लेकिन जब बात करते हैं अगर डुओ की और सोलो की, तो वहाँ पे तो भाई एक बंदा तक बैन नहीं है भाई, एक बंदा तक। ये कुछ फ्रेम वगैरह लगा रखे हैं इन बंदों ने चिढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, वरना मतलब ना इनका सिस्टम इतना बिगड़ता जा रहा है ना भाई, मेरे को तो लग रहा है कि ये बंदे अभी काम, मतलब ये जो क्राफ्टन वाले हैं ना, ये काम नहीं कर रहे गेम पे। जस्ट ये क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो पबजी का कॉपी था ना उसको ये पेस्ट करे जा रहे हैं। एंड अभी के लिए मतलब ऐसे ही जुगाड़ चला रहे हैं ये बंदे बंदे नहीं सॉरी ये टीम है ना, जो भी है इनकी कंपनी वगैरह ना। सो बेसिकली ये बताऊँ क्या कर रहे हैं, लाइक मेरे को ऐसा लगता है रियली में बताऊँ तो, ये जो पहले की चीज़ें हैं ना उन्हीं को रिटर्न ला रहे हैं। इन्फेक्शन मोड ला दिया एंड ये अपना वापस से बिकेंडी ला दिया, अब एक दो चीज़ और है जो ला देंगे। फिर मेरे को लगता नहीं कि नहीं ये चाहते हैं काम करना, बस ये पैसे कमाने चाहते हैं इंडिया से। और इंडिया के बंदे ऐसे हैं ना कि मतलब क्या ही बोलूँ, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए। मतलब कि ना अब बंदों को ना सपोर्ट नहीं मिल रहा, अभी ऐसे जो स्किल्स वगैरह है ना इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, अब मिल रहा है स्किल्स वगैरह को। मैं दो तीन बंदे, मतलब दो तीन बंदे नाम तो मैं ले ही नहीं सकता वरना मेरी वाट लग जाएगी ना। सो बेसिकली ना अब ऐसे ऐसे बंदे ना ग्रो कर रहे हैं जिनके ऊपर लाइक ना तो स्किल्स है ना कुछ, लेकिन उनको मतलब ऐसा सपोर्ट मिल रहा है ना क्या ही बोले। तो उसी की वजह से ना अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेट ओपनिंग कर रहे हैं, कार्डिंग्स ज़्यादा हो रही है, हैकिंग ज़्यादा हो रही है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्राफ्टन वाले भी इसमें इन्वॉल्व है ना। सो बेसिकली अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ये जनता का ही मतलब पब्लिक का ही पब्लिक की वजह से ही हो रहा है। एंड पब्लिक ही ऐसा मतलब सपोर्ट जब पब्लिक हैकर को करेगी, जब स्किन्स को करेगी, तो बंदे तो जाएंगे ही उसके पीछे। सीधी सी बात है, एक यूट्यूबर क्या करता है, यूट्यूबर वही करता है जिससे पब्लिक को खुशी मिले, जिससे पब्लिक उसको सपोर्ट करे। सीधी सी बात है, जिससे पब्लिक उसको व्यूज़ दे उसी को वो जाता है ना। तो दैट्स वाई अभी आजकल ये हैकर्स बढ़ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड कौन कौन इससे एग्री करता है मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी अभी पता नहीं क्या होएगा इस गेम का, मेरे को तो लगता है ये कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, मतलब एवरी सिंगल जो भी बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर है, सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि अभी ख़त्म होने वाला है ये गेम है ना। एंड साथ में कई लोगों का फिर कैरियर भी उठ जाएगा। एंड जो बंदों ने घिस के मेहनत करी है ना, वो बंदे तो क्या ही बोले ना। सो अब बात करते हैं गेम प्ले की। तो बेसिकली इस वाले मैच में भी एक गदर वाला हैकर आता है जिसके देखना आप लोग कितने ज़्यादा फिनिशेस करता है, और उसको मैं ना भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर देता हूँ। आप लोग देखना अभी है ना, जस्ट मैं उस बंदे को लाइक आधी हेल्थ तो कर ही देता हूँ, लेकिन मैं क्या ना उसको नॉर्मल बंदा समझ रहा था। एंड ऊपर से मेरा थोड़ा बहुत गिलिच भी हो जाता है उस वजह से, देखते हैं वो गिलिच क्या होता है, थोड़ी देर बाद में आने वाला है, यहीं पर आने वाला है। एंड सिंपली है ना, मैं टेक सेंटर में आया था तो यहीं पे सारा जोन वगैरह हो जाता है। एंड मैंने इस बंदे को मार दिया क्योंकि मेरे को पता था कि उस एंगल से मैं मार सकता हूँ। एंड जैसे इस बंदे को फिनिश किया, उतने में मैं इसको लूटने आता हूँ और इधर एक और बंदा आ जाता है जो कि एक्चुअली में बॉट होता है, बंदा नहीं होता है ना। इस बंदे को मतलब इस बॉट को मार के फिर मैं आता हूँ, मतलब लेट जाता हूँ इधर, उतने में ना ये हैकर है ना ये आ जाता है। मेरे को लग रहा है कि नॉर्मल बंदा था, लेकिन फिर जब मैं इसकी केडी एंड इसके रिफ्लेक्स वगैरह देखता हूँ जब पता चलता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक मॉली करता हूँ जो कि टोटली वेस्टेज चली जाती है, अगर ये मॉली करेक्ट हो जाती है ना तो ये बंदा फिनिश था। एंड अपन फिर डालते हैं 20 केडी और उसके बाद मैं नेट करता हूँ जो कि काफ़ी हद तक इसको हल्का हल्का डैमेज देता है। एंड इसके बाद देखो उठने कोशिश करा, बट एक्चुअली में मेरा पूरा बंदा उठा ही नहीं और मैं उधर ही अटक के रह गया। एंड ये आई थिंक ये पोको का ग्लिच है, पता नहीं कैसा गिलीच है लेकिन है गिलीच है ना। सो बेसिकली इस बंदे की आप लोग केडी देख सकते हो। एंड यहाँ पे सामने एक साइड एक बंदा है जिसको ये बंदा मतलब ऐसे स्पॉट कर लेता है। तो देखो इसके ज़्यादा प्रूफ्स देने की कोई मतलब नहीं है कि ना आप लोग को मैं प्रूफ दूँ कि हैकर है या नहीं है, तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें तो है ही नहीं है, है ना, क्योंकि आप लोग इसके किल्स देख सकते हो, इसकी केडी देख सकते हो ना, इसका टायर देख सकते हो, तो समझ जाओगे इजीली। एंड ये जिस तरीके से पेलने वाला ना भाई वो देख सकते हो। एंड बेसिकली इसके बाद में एक और गेम प्ले है जिसमें भी आप लोग को ना काफ़ी मतलब एक गदर वाला बंदा मैं किल करने वाला हूँ। क्या दिख रहा है भाई इस बंदे को उधर, क्या दिख रहा है, मतलब हमको भी दिख जाए तो मज़ा आ जाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब ना ये बस हैकर ही हैकरों का गेम होने वाला थोड़े बहुत दिनों में, मेरे को लगता है नॉर्मल बंदा भी हैक यूज़ लेने वाला भी है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको रिपोर्ट करता हूँ, उतने में ये बंदा भाई एक और बंदे को किल कर देगा, ये देखो। एंड मतलब बंदे को कोई खौफ ही नहीं है। और उसके बाद में इधर ऊपर एक और स्पॉट करता है,
जिसको तो एक्चुअली मैं मार नहीं पाता। फिर उसके बाद में ये क्लोज इन करेगा, क्लोज इन करने के बाद सीधे से उस बंदे के पास आ जाता है और बूम दे देता है। सो गाइज देखो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर सकते हो आप लोग इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। और यहाँ पे इसने कैसे बर्तन बजाए भाई, पूरे बंदों को हेड हेड पेल दिया। एंड ये बंदा मतलब कतई घिस घिस के मार रहा है बंदे को, बस इसके पास फ्लैश नहीं है और सब है, एम बोट, ESP वगैरह सब है, एंड बस एक फ्लैश की कमी, अगर वो भी होता तो थोड़ा सा ज़्यादा किल्स कर लेता है ना। अभी कम किल्स नहीं करे इसने, किल्स देखना आप लोग एंड में। एंड बेसिकली इस बंदे को फिनिश कर देता है, यहाँ पे इसके 26 किल्स हो चुके हैं एंड अभी के लिए दो बंदे और बच्चे जो भी ये करने वाला है, 27 और 28 किल्स ये बंदा पेल देगा। सामने की साइड एक और बंदा जिसके ऊपर ये सीधे से पुश करता है एंड पुश करने के बाद आता है ये वाली जगह पे जहाँ पे अभी ये चिकन करने वाला है, ये फिनिश। मतलब इन बंदों को ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। सामने एक और बंदा दिखता है जिसको ये आराम से डैमेज देगा एंड ये चिकन हो जाता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अब इस वाले मैच में मेरे को कितना प्लस मिला है। तो एक्चुअली मेरे को 16 का प्लस मिला है एंड इन चीज़ों के बाद मेरा ना रैंक पुशिंग से भी मूड ख़राब हो रहा है। मैं सोचा था कि पहले तो सोचा कि लेट पुश करूँगा तो हैकर्स भी कम आएंगे एंड ज़्यादा कुछ इशू नहीं होएगा, लेकिन अब तो हैकर्स भी बराबर से ज़्यादा ही आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है रैंक पुशिंग का। बाकी अपन ट्राई करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मन तो मेरा भी, क्योंकि मेरे को ये फ्रेम लेना है एक बार, क्योंकि मेरे पास पुराने फ्रेम है, अभी नया वाला फ्रेम एक बार तो लेना ही है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ऊपर जाके फिर नीचे आ गया थोड़ी देर सर्वाइव करके, उसकी वजह से मैं बच गया था, अदरवाइज मैं कब का फिनिश हो जाता और कब का मेरा माइनस लग जाता ना। सो यही एक रीज़न है कि मैं ये वाला मोड खेलता हूँ। एंड इसके बाद मैं थोड़ी देर होल्ड कर रहा था, जोन देख रहा था, उतने में गाड़ी गुजरती है जिसको मैं काफ़ी हद तक डैमेज दे देता हूँ और मैं फुल कॉन्फिडेंस में मैं जाता हूँ पुश करने के लिए इसके पास। एंड बेसिकली मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पीछे एक हैकर भी है, लेकिन वो अभी मेरे को मार नहीं पाएगा, उससे अभी अपन बच जाएंगे। एंड यहाँ पे देखना अभी हैकर की फाइट है ना, ये वाली नहीं, इसके बाद ये जो ऑम चलाएगा ना मेरे पे ना, ये बंदा हैकर है। एंड देखना अपन इसको ऑलमोस्ट कतई ना, वो आप लोग देखोगे जब भी मजा आएगा, आप लोग को ऐसे बताऊंगा तो कोई मजा नहीं आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मैं हेल्प करने के लिए ये शील्ड वगैरह लगा लेता हूँ एंड शील्ड लगाने के बाद मैं फिर हल्का सा भी इस पर स्प्रे भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है दूसरे बंदे को मारने के लिए एंड ये बंदा आई थिंक किल भी कर देता है दूसरे बंदे को, तो पता नहीं कहाँ पे करता है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो हेडशॉट से पेड़ा, एंड रियली बताऊँ ना तो यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये मेरे पीछे आ जाएगा, मेरे को लगा कि यार ये कहीं निकल जाएगा तो मैं थोड़ी बहुत देर और सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन भाई ये बंदा इधर आ जाता है एंड अब देखो किस तरीके से मारते हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया था इस बंदे को, इसकी आप लोग HP देखना। एंड ऐसे ही मैंने ऑलरेडी एक दो हैकर्स को भी पेल रखा है तो आप लोग HP देख सकते हो इसकी। सो बेसिकली है ना, रीजंस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं इसको क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि मैं ना अभी ना ढंग से नहीं खेल रहा था, नॉर्मल खेल रहा था, लाइक ऐसे सोच रहा था कि नॉर्मल बंदा वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से मैं ढंग से नहीं खेल रहा था। बाकी गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बात बताई उससे आप लोग एग्री करते हो या नहीं कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।